राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बिगुल बजने के साथ ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी सांगनेर विधानसभा क्षेत्र की, जहां रुझान इस बार कांग्रेस के पक्ष में रह सकता है। तो वहीं आज हम बात करेंगे भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ विधानसभा सीट। द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूँ साक्षी शर्मा। मांडलगढ़ विधानसभा सीट में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मांडलगढ़ से कांग्रेस ने विवेक धाकड़ पर फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं भाजपा ने फिर से गोपाल लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। कांग्रेसी विवेक धाकड़ और बीजेपी नेता गोपाल लाल शर्मा दोनों ही 2018 में मांडलगढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं, जहाँ विवेक धाकड़ को गोपाल लाल शर्मा से 10,333 मतों के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 2018 विधानसभा चुनाव में विवेक धाकड़ को 58,148 मत मिले, तो वहीं गोपाल लाल शर्मा ने 68,481 मत हासिल करके बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की। बात करें मांडलगढ़ सीट के सियासी मिजाज की, तो इस सीट पर मिजाज मिला जुला देखने को मिलता है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही पक्ष में जाता रहा है। मांडलगढ़ विधानसभा सीट देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। बता दें मांडलगढ़ विधानसभा ने प्रदेश को एक मुख्यमंत्री भी दिया है। अब बात करते हैं मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण के बारे में। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,34,000 के आसपास है। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में धाकड़ ब्राह्मणों के मतदाता प्रभाव रखते हैं। यहां धाकड़ जाति के वोटर्स की संख्या करीब 32,000 है, तो वहीं ब्राह्मण जाति के वोटर्स की संख्या करीब 31,000 के आसपास है। गुजर वोटर्स करीब 13,800, वहीं मीणा और SC/ST वोटर्स की संख्या करीब 80,000 के आसपास है। अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या करीब 8,000, जाट वोटर्स की संख्या करीब 8,000, जैन वोटर्स करीब 4,000, तो वहीं राजपूत और रावणा राजपूत वोटर्स की संख्या करीब 14,500 के आसपास है। सैन वोटर्स करीब 8,000, कुम्हार वोटर्स 7,500 के आसपास और कुमावत वोटर्स की संख्या 4,500 के आसपास। गाडरी वोटर्स करीब 5,000 और योगी जाति के लगभग 8,000 मतदाता है। जातीय समीकरणों की अगर बात की जाए, तो मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसी एक जाति पर प्रत्याशी निर्भर नहीं रह सकते। ऐसे में दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने धाकड़ और बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार पर दाव खेला है। द नगरी न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र की, जहां जीत के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कसी है, क्योंकि इस सीट पर जीत उम्मीदवारों के आने वाले राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी। नमस्कार।